में जा रही थी तो इसलिए मैं बाय कहने आई थी। वैसे तो मुझे बाय गुड बाय कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों बचपन से ऐसे लगता है जैसे जब कोई कहानी खत्म हो जाती है तब गुड बाय बोलते हैं। आजकल तो वैसे भी ये सीक्वल का जमाना है तो बाय से अच्छा सी यू होता है। इन जितने भी दिन मैं यहाँ पे रही अगर मुझसे कोई भी ऐसी कोई गलती हुई हो तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। मधु चाची देवपुर की वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ, आपने उस दिन जो मैं खीर बनाने में हेल्प करी थी ना उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बस थैंक यू बस बस। रेखा चाची मेहंदी थैंक यू थैंक यू इट्स ओके। तुम्हें पता है तुम लकी हो। नहीं नहीं मैं लकी नहीं मैं राधिका हूं। तुम्हें अभिषेक जैसा लाइफ पार्टनर मिला है, तुम बहुत लकी हो। अभिषेक तुम भी मीरा जी बहुत लेट हो गई हैं आप, देर हो जाएगी। बाय। से जाना मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, पता नहीं सब बच्चे कहाँ है, किसी से मिल भी नहीं पाई। मीरा जी आपको कौन भेजना चाहता है, हम तो किसी और को भेजना चाहते हैं लेकिन आपको हमसे बहुत मिस करेंगे। ये रोहन कहां पर है? पता है मैं जब आई थी ना मैं सबसे पहले उससे मिली थी, मैं उससे मिले बिना नहीं जाऊंगी। कहां पर है? रोहन की तबीयत खराब है मीरा जी, मैं आपकी तरफ से उसको गुड बाय बोल दूंगा। गुड बाय नहीं, सी यू। क्या कहोगे? सी यू। मीरा चलो बेटा लेट्स गो। हाँ पापा। सी यू अभिषेक। बाय मीरा जी। Thank you.
उनको ढूंढो यार, प्लीज तुम लोग चलो। पीछे कुछ है क्या? आवाज आ रही है। कुछ नहीं है ड्राइवर, चलो अभी चलो। नहीं नहीं पापा, एक सेकंड, मुझे भी लग रहा है कुछ है, आवाज आ रही थी कुछ, एक मिनट। मीरा दीदी प्लीज अपने साथ ले चलो, प्लीज मीरा दीदी, पापा मुझे मारेंगे। रोहन ठीक है, तुम एक बार बाहर, वो कह रहे हैं डॉक्टर के पास मुझे दूर लेके चलेंगे। मीरा क्या हो रहा है ये सब, कौन कौन है ये बच्चा? पापा एक मिनट, रोहन तुम बाहर। अरे इस जगह पे कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता क्या? मारेंगे पापा। चलो चलो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बाहर आओ, बाहर तो आओ, एक मिनट बाहर आओ, एक मिनट बाहर आ जाओ, हम लोग बात, एक मिनट। रोहन क्या कर रहा तू यहाँ पे? चल चल। रोहन डिक्की में क्या कर रहा है तू? निकल यहाँ से। रोहन अंदर चल चल। ये क्या मेलोड्रामा है, क्या हो रहा है ये सब? वैसे ही हमें देर हो रही है, ऊपर से तुम्हारे फैमिली के बच्चे ने हमें और डिले कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? अरे बच्चा है बेचारा। देख रहा है अभिषेक इसकी हरकतें? सॉरी सर, सॉरी। अभिषेक एक मिनट, एक बार इसकी बात तो सुन लो कि रोहन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और अंकल ये ऐसा इतना घबराया हुआ क्यों है? आप इसे किस बात पर मार रहे थे? क्या 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 बोल रही हो मीरा बेटा, मतलब बिना सोचे समझे तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अंकल सॉरी, मैं आपसे पूछ रही थी, मैं आपसे पूछ रही थी क्योंकि ऐसा रोहन ने बोला था। रोहन देखो प्लीज डरो मत, यहाँ पे सब लोग अपने हैं, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो। हाँ बोलो, क्या बात है, मैं हूं ना, बोलो। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मैंने। रोहन एक मिनट बस। राजा दादाजी, माना कि रोहन अपने बचपने में आकर के आप लोगों के साथ जाने की जिद कर रहा था, पर मुझे लगता है कि इसे ऐसा करने के लिए आपकी लड़की ने ही भड़काया होगा। सुनी कहा सुनी से कोई फायदा नहीं, इस कहा सुनी के लिए हम आपको माफ करते हैं और आप भी भूल जाइए इस सबको। नमस्ते, आप लोगों को देर हो रही होगी, आप यहाँ से निकलिए। लो, आओ। अभिषेक एक मिनट, अभिषेक तुम एक बार बात करके देख लो, बच्चे ऐसे कुछ भी नहीं बोलते। मीरा आप क्यों हमारे फैमिली मैटर में अड़ा रही हैं? टांग, अरे भाई कोई लेके जाओ इन्हें। अभिषेक मीरा जी कह लिया आपने जो कहना था, अब बस। आप लोग प्लीज जाइए प्लीज, बेमतलब के पापा पे इल्जाम लगाने का ना तो कोई मतलब बनता है और ना ही हमारी फैमिली मैटर्स में आपके बोलने का कोई हक बनता है। सॉरी अगर ऐसा है तो, मुझे लगा कि हम फ्रेंड्स थे।
और एक बार सोच लेना जब तुम्हें अपने ये बिजी स्केड्यूल से टाइम मिले कि ये सब कुछ करके या झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। तुम बस एक बार रोहन से बात कर लो। मीरा, मीरा इनफ, चलो यहां से गाड़ी में बैठो। अरे देवर जी, थैंक यू। वो नाटक आपने किया और काम हमारा हो गया। अब उस मीरा का ना तो कोई चांस ही नहीं बनता आपके बड़े भैया के साथ। नहीं करनी मुझे कुछ ये बात, जाओ यहाँ से। हाय राम, अपनी होने वाली बड़ी भाभी को धक्का देता है तू? जो ना सच में पागल है, तुझे पागल खाने भेज देना चाहिए। क्या हुआ रोहन, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या आपने कुछ कहा ना इसे? पागल बोला ना आपने इसे? अरे नहीं नहीं, मैं इसे क्यों पागल कहूंगी। मैं तो बस ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि मैं तुम सबसे ना पागलों की तरह प्यार करती हूँ। क्या कर रहा था, इतनी देर से ढूंढ रहे थे? कुछ तो हुआ है इस राधिका की ना, अब क्लास लेनी पड़ेगी। अभिषेक इधर आओ। रह पाएगा उसके बिना? आदत हो गई है, कोई नई बात तो है नहीं। अपनी इस छोटी सी लाइफ में बहुत लोगों को जाते देखा है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशन मत लो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय लोगे? चाय भिजवाता हूं। अरे अभिषेक करीना, आ ना, आ तो सही। अरे रेखा, हाँ, अरे बैठ ना, चल पगड़ी बनवा फटाफट। हाँ। चल 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 बैठ बैठ बैठ। अरे बैठ, अरे पगड़ी ट्राई तो करनी पड़ेगी ना। जी जी, राधा भी आज ही नाचेगी और तेरी राधिका भी आज ही, है ना, शाम को संगीत में। नहीं जी जी, ये वाली ट्राई कर जी ना। ला, ये दिखा। अरे वाह, ये देख कैसा लग रहा है। अच्छे लग रहा है। कैसा लग रहा है? अरे वाह, ये वाली कैसे? अरे जी जी, हाँ हमारा अभिषेक ना पूरा शाहरुख खान लग रहा है। क्यों जी जी? क्या हुआ? शाहरुख खान, तुझे याद नहीं है वो मीरा भी शाहरुख खान की भर्ती थी। अब एक मयान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती ना। बिल्कुल, अपने उम्र के हिसाब से ही बातें किया करो तुम दोनों। जिसे तुम कोस रही हो ना वो इतनी बुरी भी नहीं थी। जी जी, आप तो ऊपर आसन डाल के बैठी रहती है और ऊपर से लगता है बातों का अंदाजा कम ही होता होगा, इसीलिए अभी तक तारीफ किए जा रही है उस मीरा की। सुना नहीं था आपने? क्या सुना गई वो योगराज जेठ जी को? तो जी, क्या कम माँ को अगर सुन जाएगा तो फिर वो बुरा मान के बैठ जाएगी। रहने दीजिए ना, हो गया आप लोगों का, जाऊं मैं। अरे नहीं, मतलब इतना यहाँ पर फाइनल हुई है क्या पगड़ी? ये बता, ला इसे इसे यहाँ से बांध। एक मिनट, हाँ ऐसे बांध ऐसे। अरे नहीं नहीं ऐसे। वैसे अगर मेरे पति को किसी ने ये सब सुनाया होता ना तो मैंने तो जबान ही खींच लेनी थी उसकी। वैसे जी जी एक बात कहूँ, जो मीरा कह रही थी ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सच है वो। आपने देखा नहीं रोहन को आजकल कितना सहमा सहमा सा रहता है वो? एक बार सोच लेना जब तुम्हें अपने ये बिजी स्केड्यूल से टाइम मिले कि ये सब कुछ करके या झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। तू क्या कहना चाह रही है रेखा? मैं कुछ कि वो मीरा सही थी और जेजी गलत।
अरे एक नंबर की झूठी है वो लड़की मीरा। घर में आने के बाद कलेश करवाने के अलावा और क्या किया उस लड़की ने बताओ मुझे। बस कीजिए आप लोग। चाची गई ना हमको? चली गई ना? उसके पीछे से बातें करने का कोई फायदा नहीं। अरे अभिषेक है पगड़ी। अभिषेक। हाँ हेलो। हाँ जी सिंह साहब बोल रहे हैं। हाँ जी मैं योगराज। हाँ हाँ वो क्या है ना घर में शादी का माहौल है ना इसलिए। जी 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 हाँ जी वो हाँ हाँ आज 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 पेपर साइन कर देंगे जी। हाँ और वो पैसे? अरे बड़ा बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं नहीं मैं अभी निकलूंगा बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। ओ आपका ऑफिस उधर है ना मंदिर वाली रोड पे? हाँ जी 4 बजे मिलते हैं आपको वहाँ पे। जी जी जी। अरे रोहन आजा बेटा बाहर आजा। रोहन बाहर आओ। चल बारा बारा उड़ा। अरे डर क्यों रहा है तू? अरे डर क्यों रहा है? गले लग जा मेरे बच्चे। अरे मेरे गले लग जा लग जा लग जा। देख रोहन किसी को कुछ बोलना मत। ये तुझे पता है ना कि मैं नाराज हो जाता हूँ। किसी से कुछ नहीं कहेगा मैं तुझसे हमेशा खुश रहूंगा। देख बेटा ऐसे नहीं कहते किसी के लिए गलत बात होती है। तो अच्छा बेटा है ना। ऐसे नहीं करना कभी। शाबाश। अरे ये डंडा वहां किसने रखा? तुझे लगी तो नहीं ना अभिषेक? ये डंडा इधर दे दे मुझे दे दे। रोहन इस छड़ी को देख के ऐसे डर क्यों रहा है? अरे भैया आप लोग यहां पर हो और मैं आप लोग को कहां कहां नहीं ढूंढ रहा हूं। नीचे चलिए ना कोई जश्न करते हैं नाच गाना करते हैं। चाचा आप लोग चलिए ना। आप लोग चलिए मुझे रोहन से बात करनी है। मैं 2 मिनट बात करके आता हूं। अरे अभिषेक यार रोहन से बाद में बात कर लेना ना यार। आना अभिषेक रोहन कहां भागा जा रहा है? बाद में कर लेना ना बात उससे। अरे हो जाएगा। कहां भागा जा रहा है? चलना अभिषेक कर लेना बात। बात कर लेना बाद में। आ जाओ चलिए भैया। मीरा मैं ये सोच रहा था तुम इस तरह से किसी पे भी उंगली कैसे उठा सकती हो? After all, तुम उन लोगों को जानती कितना हो? बेटा अब उन मिडिल क्लास लोगों के साथ कोई भी कनेक्शन रखने की जरूरत नहीं है। And that's fine. समझी तुम? पापा बिल्कुल बेवकूफ है। क्या बोल रही है तू? ये कोई तरीका आपने पापा से बात करने का? नहीं मॉम रियली बिल्कुल नहीं ना समझ। नहीं नहीं बेवकूफ बेवकूफ ही है मीरा। नहीं नहीं रिया बेटा एक मिनट। ये लड़की अपने ही तरीके से कुछ साबित करने की कोशिश कर रही है। बोलो। आप लोगों को ये पता चल गया कि मैं मजाक कर रही हूँ? कैसे पता चला कि मैं मजाक कर रही हूँ बताइए पापा? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ इसलिए। जो तुम बोल रही हो वो मैं सुन रहा हूँ लेकिन जो तुम्हारी आंखों में है वो एक्सप्रेशंस और वो बोल मैच नहीं कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ ना पापा। रोहन भी जो बोल रहा था और जो उसके एक्सप्रेशंस थे वो मैच नहीं कर रहे थे। वीडियो अलग था ऑडियो अलग था। पापा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है रोहन। मतलब मुझे उसकी वापस जाके हेल्प करनी चाहिए आप समझ रहे हैं ना। मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ ना कुछ तो okay, enough. बस बहुत हुआ। अब उन लोगों के साथ कोई कनेक्शन रखने की जरूरत नहीं है और हम लोग अभी इसी वक्त इस मनुष्य जगह से जा रहे हैं। That's final. पापा
रहे हैं मीरा इनफ और गड़बड़ मत कर यार हेलो आई एम सॉरी मीरा दीदी रोहन For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.